ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कल क्या होगा, पार्ट टू, अव्यक्त मुरली। अपने संकल्पों पर मजबूत पहरा होने से पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा, जो कैसे भी आत्मा आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे, एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएगी। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब उसके लिए चाहिए सहनशीलता का बल। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। अव्यक्त मुरली देथे 5 मार्च 1970। सभी से बुद्धियोग हटाकर अंत में एक की याद में रहने के जो पुरुषार्थी है, ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। उसमें मदद के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगा व नहीं, वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं तो वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलप कर सकता है। अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। अव्यक्त मुरली देथे 2 अप्रैल 1970। अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा तब समझो संपूर्णता आई है। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों में सरल अनुभव हो। बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सकेंगे। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आवेगा। जब तक साक्षात साकार रूप न बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट, जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। अव्यक्त मुरली देथे 5 अप्रैल 1970। विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेंगी लेकिन वर्षा नहीं पा सकेगी, क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा तुम्हें कहते हैं सहयोगी बनो। कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधन अगर तेज करो तो कर्म बंधन उतना ही ढीले हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली देथे 7 जून 1970। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक को अपने दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहां माला में पिरोवा हुआ हूँ।
यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किनों के भक्त ज्यादा होते, किनों की प्रजा जास्ती बनती। जैसे किसी की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती, कोई की राजधानी कम परंतु संपत्ति ज्यादा होती है। यह भी गुप्त रहस्य है जो कब खोलेंगे। यहाँ ही भक्त वंदना करेंगे, गायन करेंगे, पूजा फिर वहाँ करेंगे। अव्यक्त मुरली देठे 29 जून 1970। अंत में बार बार सतयुगी संस्कार और भविष्य रूप स्वतः जीवन में आते रहेंगे, बार बार स्पष्ट दिखाई देगा, सोचने व लाने नहीं पड़ेंगे। कल्प पहले यह किया, पीछे यह शब्द बदलकर इस कल्प की बात हो जाएगी। 5000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल की। अव्यक्त मुरली देठे 29 अक्टूबर 1970। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम योग का ड्रामारूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है, जो यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता आएगा। और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 5 नवंबर 1970। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों से अपना सर्टिफिकेट ले जावे। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। अव्यक्त मुरली देखे 22 जनवरी 1971। कहते हैं ना, क्राइस्ट भी अभी बेगर रूप में है, तो धर्म पिताए भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कारों से उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो जो उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापना के निमित्त बनेंगे। अव्यक्त मुरली देते 15 अप्रैल 1971। आगे चलकर त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो अपनी भी तीनों कालों के प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। आपके वारिस ब्रैकेट में रॉयल फैमिलीज, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 18 अप्रैल 1971। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्म और हर आत्मा के तमोगुणी और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अव्यक्त मुरली डेट है 19 अप्रैल 1971। आदि का पाठ अंत में फिर से गुह्य और गोपनीय रूप से रिपीट होना है। अव्यक्त मुरली डेट है 9 अक्टूबर 1971। दिन प्रतिदिन सूक्ष्म सजाओं के साथ स्थूल सजाएं भी मिलती रहती है, आगे और ज्यादा मिलती जाएगी। स्थूल सजा अर्थात अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है उनसे वंचित होना पड़े, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना, क्योंकि बाप रूप में नाज नखरे अर्थात अलबेलापन देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है
सदगुरु के रूप में। अव्यक्त मुरली ते थे 3 मई 1972। अब छोटी गलती भी बड़ी गिनी जाएगी। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। स्वच्छ वस्तु पर छोटा दाग भी बड़ा लगता है। अव्यक्त मुरली देथे 20 मई 1972। एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हो, दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें व भूले व संस्कार जो है उनका साइज भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ एक नज़ारा, दूसरे तरफ रिफाइन होने का नज़ारा, दोनों का फोर्स है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है, क्योंकि अब माला के मन के नंबरवार प्रख्यात होने वाले हैं। तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो, उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। माला हाथ से नहीं पिरोनी है, चलन से ही स्वयं अपना नंबर ले लेते हैं। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। अव्यक्त मुरली दे थे 12 जून 1972। आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगी। तो क्या अब यह कला नहीं दिखाएंगे? जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे कर सकते हैं, यही तो कला है। आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित नहीं कर सकते हो। वह है शरीर की बाजी, यह है बुद्धि की। जिसको यह कला अर्थात देही अभिमानी बनने की कला आ जाती है, वही 16 कला संपन्न बनते हैं। इसी कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती है। अव्यक्त मुरली दे थे 12 नवंबर 1972। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे, जैसे वृद्ध हो अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। अभी यह हो, फिर यह बनेंगे। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं, ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते स्मृति नहीं रहनी है।
कर रहे हैं यह स्मृति नहीं रहनी है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलाना रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। सामने कोई कारण आवे भी तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था। वह स्पष्ट स्मृति में आने से कारण को निवारण में बदली कर देंगे। सोचेंगे नहीं कि यह करना चाहिए वा नहीं, यह ठीक होगा या नहीं, यह कैसे होगा, ऐसी भाषा खत्म हो जाएगी। अव्यक्त मुरली देथे 22 नवंबर 1972। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। अव्यक्त मुरली देठे 24 दिसंबर 1972। कोई भी पाठ सदा एक जैसे नहीं चलता, बदलना है आगे बढ़ाने लिए। तो अब अव्यक्त बाप दादा विशेष व्यक्त रूप से अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो अव्यक्त स्थिति का बाप से मीठी मीठी रूह रूहान करने का पुरुषार्थ करेगा, उस पुरुषार्थी आत्मा को वा लगन लगाने वाले आत्मा को सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति करने वाली आत्मा को सहज ही वरदान के रूप में अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। इसलिए अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। फिर क्या करेंगे? मिलन नहीं मनावेंगे? अल्पकाल के मिलन के बजाय सदाकाल के मिलन के अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल समीप सम्मुख मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त मुरली डेट है 24 दिसंबर 1972। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो, तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते? अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ। ड्रामा अनुसार यह विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नूंधा हुआ है। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तन होनी है। जो अब वर्तमान समय चल रहा है यह सभी बातें परिवर्तन होनी है। अव्यक्त मुरली देठे 23 जनवरी 1973। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। आप लोग उन्हें एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा जिसमें प्रैक्टिकल में नहीं है, आपकी मूरत में भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देना चाहिए। डिस्कस करने से नहीं, बल्कि अपनी मूरत से ही तुम उन्हें शांत करा सकते हो। अव्यक्त मुरली डेटे 11 अप्रैल 1973। कोई आपको कहे मैं निर्बल हूँ, शक्तिहीन हूँ,
तो ऐसे को भावना का फल दे सकते हो। अंत में भावना वाले भक्त बहुत आने वाले हैं। उस समय न पुरुषार्थ का समय होगा न आत्माओं में शक्ति। ऐसों को अब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। सेकंड में संकल्प का स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, तो उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे थोड़े में ही बहुत राजी हो जाएंगे, उसमें सर्व प्राप्तियां अनुभव करेंगे। अपने पुरुषार्थ व तन के लिए शक्ति समय लगाने की स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर यही संकल्प रहेगा कि संकल्प अपने प्रति न हो, विश्व कल्याण प्रति हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपन्न अर्थात संपूर्ण, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। देना ही लेना होता है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आपको एक का हजार गुना सहयोग देकर, स्नेह और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आगे चल थोड़े समय बाद वह लिफ्ट मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो ले सकते हो। बाप का रूप बदलकर सुप्रीम जस्टिस का हो जाएगा। प्राप्ति का समय बदल पश्चाताप का समय आएगा। अव्यक्त मुरली डेट है 30 मई 1973। ऐसा समय आने वाला है जिससे अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त मिलन का अनुभव न होगा, तो बाप के मिलन प्राप्ति और सर्व शक्तियों के वरदान से वंचित रह जाएंगे। अभी तो फिर भी व्यक्त और वरदान दोनों मिलन साथ चल रहे हैं। कुछ होने वाला होगा तो अव्यक्त स्थिति वालों को स्वयं ही आवाज आवेगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, क्लियर लाइन होगी, तभी पहचानेंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 25 जनवरी 1974। सर्व आत्माओं का कल्याण हो। तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों से वरदान प्राप्त कर शांत सुखी बन जाए। इस स्मृति से विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। विनाशकारियों को भी विनाश के लिए आपके संकल्प का इशारा चाहिए, ज्वाला रूप का इशारा। अव्यक्त मुरली डेट है 3 फरवरी 1974। जितना सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ावेंगे वह मैदान में प्रसिद्ध होते जावेंगे, वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों व कर्मों को चेक करने के लिए आपके पीछे CID अर्थात गुप्तचर होंगे। माइंड कंट्रोल का एग्जामिनेशन लेंगे। योग के समय नहीं, विशेष परिस्थिति के समय आपकी स्थिति और मस्तिष्क नियंत्रण की चेकिंग करेंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 28 अप्रैल 1974। फाइनल रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा या बोर्ड कागज पर नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि योग्यता प्रमाण अपने को निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और प्रसिद्ध करेंगे। उनके मुख से स्वयं के प्रति
फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसे फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। चलाने की रॉयल भाषा बदल रियल हो जाएगी, अर्थात रॉयल समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त मुरली देथे 27 मई 1974। अभी शीश महल बना नहीं है, इसलिए बड़े बड़े दाग भी छिपाने से छिप जाते हैं। कल्याणकारी बाप भी जानकर अनजान बन जाते हैं। यदि बाप कहेंगे मैं जानता हूं, तो सुनाने वाला चाहते भी सुना नहीं पाएगा। इसलिए सुनाने की विधि रखी हुई है। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना एक ही बात हो जाती है, जिससे स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि में कमी हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देखकर स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ को स्वयं से हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। अव्यक्त मुरली देथे 27 मई 1974। अभी फिर भी अपने को परिवर्तित कर सकते हो, कुछ गैलप करने का चांस है, लेकिन कुछ समय बाद गैलप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। और जिन्होंने जितना और जैसे पुरुषार्थ किया होगा वह वहाँ ही रह जाएंगे। कितनी भी एप्लीकेशन डालो मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, ताकि पीछे आने वाले का उलहना न रहे। इसलिए सेकंड सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान, स्वयं को महान बनाओ। अव्यक्त मुरली देथे 30 मई 1974। आगे चलकर हर एक को यह भी साक्षात्कार होगा कि मैं किस राजधानी में राज्यपद पाने वाला हूँ। अव्यक्त मुरली देथे 14 जुलाई 1974। आगे चलकर प्राकृतिक प्रकोप और आपदाओं के कारण पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देंगी। अनाज खाने योग्य नहीं रहेगा। क्या इतनी सहन शक्ति होगी जैसे प्यास के समय में योग लगेगा? यह निश्चय से क्यों नहीं कहते कि भट्टी के पुंगरों की तरह सेफ रहेंगे? अगर योग युक्त है तो सात वाले स्थान पर नुकसान होगा। पानी आ जाएगा परंतु बाप द्वारा निमित्त बने स्थान सेफ रह जाएंगे, यदि अपनी गफलत नहीं होगी तो। अभी तक जहां भी नुकसान हुआ वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बना देंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे।
शुरू शुरू में अखबार में निकला कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यही बात फिर अंत में भी सबके मुख से निकलेगा, लेकिन यह अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो कहीं न कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा। इसलिए मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अब सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए। जिसमें जिस शक्ति की कमी होगी, ड्रामानुसार हरेक के सामने पेपर में वही क्वेश्चन अर्थात प्रश्न आवेगा। अव्यक्त मुरली डेट है 13 सितंबर 1974। आपके लाइट का रूप और क्राउन ऐसा कॉमन हो जाएगा कि चलते फिरते सबको दिखाई देगा। इसके लिए साकार ने भी गुप्त पुरुषार्थ किया। इस प्रकार आपको भी ये गुप्त पुरुषार्थ व गुप्त मेहनत करनी है। टेंशन होते भी अटेंशन रहे, 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जावेंगे तो मानो जैसे 4 घंटे का आराम कर लिया। अव्यक्त मुरली डेट है 15 सितंबर 1974। संपूर्ण निशाने के समीप पहुंचने की 2 निशानियां दिखाई देंगी। कर्मातीत अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। न्यारा बनने की बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी निशानी, जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है। चलते फिरते खुशी होगी कि यह शरीर छोड़े, कल मुझे वह शरीर लेना है। अभी दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वह नहीं किया। अव्यक्त मुरली डेट है 9 फरवरी 1975। आगे चलकर अनेक आत्माएं, साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेंगी, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसलिए त्याग मूर्त बनो। अव्यक्त मुरली डेट है 10 फरवरी 1975। वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्तियुक्त चाहिए, तब ही संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। अभी तो समय समीप आता जा रहा है। यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो चारों ओर के टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा। एक तरफ में प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं व नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का, चौथी तरफ लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम के कारण जो अनादि काल की खुशी की भासना है वह भी समाप्त हो, भय की अनुभूति का टेंशन, चारों तरफ के टेंशन में आत्मा ऐसे तड़पेगी जैसे शरीर को कोई नस खींचने पर परेशानी रहती है।
दिमाग खींचा हुआ रहता है, ऐसा वातावरण बढ़ता जाएगा। हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी, कमावे तो भी मुश्किल, न कमावे तो भी, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, न करे तो भी। ऐसे समय पर स्वयं को टेंशन में आने की समस्या न भी हो, परंतु वातावरण का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो। उसके लिए बीच बीच में कोई न कोई ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिसमें आत्माओं का किला मजबूत होगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 अगस्त 1975। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। दूसरी है बाप के संबंध में रहने वाली। तीसरी है बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाले। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आवेंगे, स्वरूप बनने वाले कम आवेंगे। कमजोर अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आवेगी, उन्हें केवल एक या दो बातें ही अच्छी लगेगी, सभी बातें अच्छी नहीं लगेगी। संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण संपर्क रखना है। समस्या प्रमाण उनका रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। नियमों पर भले न चले लेकिन स्नेह में रहना चाहते हो तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। खाली हाथ कोई न जावे। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 अगस्त 1975। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होता है वह भी प्रैक्टिकल पेपर्स ही है। ये पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं। चारों सब्जेक्ट में मार्क्स जमा चाहिए, तभी पास विद ऑनर हो सकेंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 सितंबर 1975। जो गायन है कि देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व शक्तियां, सर्व गुणों, सर्व वरदानों के पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। तब ही आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझ भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं, क्योंकि अंत समय सर्व आत्माओं विशेषकर जो भारतवासी आत्माएं जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी, बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि के समय से लेकर अंत के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेंगी। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहती है। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी सृष्टि में न आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की स्मृति इमर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते रहते हैं। समझा, अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। ऐसे ही बेहद के एक्टर्स स्वतः अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। डबल लाइट स्थिति और स्टेज आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है
5 सितंबर 1975। साकार दुनिया में पानी के तूफान का समाचार तो सुनते रहते हो। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में हूँ। इस स्मृति की स्थिति का प्रभाव उस समय प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। व्यक्ति व तत्व भी वार नहीं कर सकेंगे, एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जावेंगे। ऐसे समय पर परिवर्तन शक्ति चाहिए, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति व वृत्ति से व्यक्ति व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। ऐसे नजारों और अकाले मृत्यु के नगाड़ों और भयानक परिस्थिति में ही शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पाठ व शक्ति अवतार के प्रत्यक्षता का पाठ स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पाठ होता है। साक्षीपन और विश्व कल्याणकारी स्टेज चाहिए। अव्यक्त मुरली, डेट है 13 सितंबर 1975। प्रकृति के विकराल रूप में प्रकृति के सभी तत्व एक ही समय साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए अपने अकाल तख्तनशीन अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होना है, तभी सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़े। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि है अकाल मूरत बनना। अव्यक्त मुरली, डेट है 14 सितंबर 1975। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे, अर्थात माया और प्रकृति फुल फोर्स से दाव लगाएंगे। यह कमजोर आत्माओं के लिए रास पैदा करने वाला व मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए हिम्मत व उल्लास दिलाने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय समेटने की शक्ति चाहिए। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ऐसे समय पर श्रीमत लेने के लिए वायरलेस की स्थिति से वायरलेस की सेटिंग चाहिए। जरा अंश के भी अंश मात्रा विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। महीन रूप से चेकिंग करने से ही प्रकृति व 5 विकारों के अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नज़ारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की शहनाइयाँ बजाएगी और बाप दादा के विजय माला के मन के विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगावेगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 14 सितंबर 1975। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वैसे आत्मिक बम का प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा। चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए सहज ही प्रजा बन जावेगी। अव्यक्त मुरली डेट है 16 अक्टूबर 1975। एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। वहां ही विनाश की अति होगी और वहां ही विनाश में एक हिस्सा धरती और तीन हिस्से जलमय होंगे, जो पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वो सब समाप्त हो एक सैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के मुआपिक हो जाएंगे। एक तरफ विनाश की अति के नगाड़े, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस अर्थात श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। कहते हैं ना, श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। तीन हिस्से जलमय होने के कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो उसको जलमय दिखाई दिया है। ऐसे जलमय के बीच पहले पत्ते के जन्म का चारों ओर आवाज बुलंद होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है। दिखाते हैं ना, सोने की द्वारिका पानी से निकल आई। तीन हिस्से पानी होने के कारण पानी के बीच सोनी द्वारिका दिखाई देगी। सिर्फ उस बात का पूरा वर्णन नहीं कर सके है। अव्यक्त मुरली डेट है 23 अक्टूबर 1975। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकार भोग की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानी कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। इसलिए अभी से अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाए। अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंत में महाकाल रूप के आगे एक भूल का हजार गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। अव्यक्त मुरली डेट है 26 अक्टूबर 1975। सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, आप यह हो यह हो, यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होंगे, फिर यादगार में चलेगी। यह भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। अंत तक अंगुली देने के लिए पार्ट भी ऐसे शक्तियों के होंगे, कमजोरों के नहीं, बिल्कुल साथ साथ होगा। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार, वह भी अति में और यह भी अति में होगा। अव्यक्त मुरली डेट है 8 दिसंबर 1975। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति कुय है, वैसे इन दोनों की गति भी कुय है। प्रारब्ध का साक्षात्कार
प्रैक्टिकल में अभी होना तो है। कौन, क्या, क्यों, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में, दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 फरवरी 1976। अंत में यहाँ बहुत भीड़ लगनी है, परंतु बुरे विचारों वाला भगवान के सामने नहीं आ सकेगा। घर जाने के कुछ समय पहले ज्ञान योग का सीखना बंद हो जाएगा। जितना अपनी जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनावेंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतना भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। यमुना के किनारे पर वही श्री कृष्ण के साथी बनेंगे जिन्होंने अभी बाप को सदा साथी बनाया होगा, जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने में विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी होंगे। रास करने वाले वही होंगे जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। जो सदैव प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते, कहा भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती, वही रॉयल फैमिली में आवेंगे। जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन होते नहीं और अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब अपने को देखो, मैं कौन हूँ? यह है नई दुनिया की रूपरेखा। अव्यक्त मुरली, डेट है 2 फरवरी 1977। भक्तमाला और विजयमाला दोनों यहाँ ही अंत में प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि संस्कार भरने का समय संगमयुग का ही है। भक्त अंत में पुकारते रह जावेंगे कि हे भगवान, हमें भी कुछ दे दो, और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 अप्रैल 1977। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। आखिर वह भी दिन आएगा जब सबके मुख से निकलेगा, मधुबन निवासी हर संकल्प व कर्म में वरदानी है, संगठित रूप में। अव्यक्त मुरली, डेट है 23 अप्रैल 1977। जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगावेंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज फैलता जावेगा और ज्योति को, फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई, कहाँ से यह फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, ऐसे अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है।
जब ऐसे अनुभव करेंगे तब ही साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आवेंगे। बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे कि बहुत दूर से कोई किरण आई और कुछ जगाकर चली गई। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्तपन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आवेंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 5 मई 1977।